यशोदा मैया तो बोले, मैया मुकु नींद ना आवे, तू मुकु कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। कृष्ण करणामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इस सुंदर भाव का, कि रामो नाम बभूवहुं तदवला वाचा सीते तुम तो पितु। कितना सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं, रामो नाम बभूवहुं तदवला। लाला एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं, सीते तुम तो पितुर पितुरा। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें रामो नाम बहुव हुम तदवला। ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को, वाचा पंचवटी विहरत। ठाकुर जी कहें बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवटी पे घूम रहे थे, तामा हरद रावण, और वहां पंचवटी पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, निद्रार्थम जननी कथा मिति हरे हुंकार श्रवणत। जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद भी तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा, कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से। ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है, आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा। मैं ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है, अरे लाला तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं।